मोहन बड़ा ही मेहनती आदमी था, पाव भाजी का व्यापार करता था। वो बिंदु नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन बिंदु हमेशा करोड़पति बनने का सपना देखती थी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक व्यवसाय करूँ। उसमें बहुत सारा मुनाफा है, ऊपर से वो सेहत के लिए भी अच्छा है। बिंदु, ये सारी बातें छोड़ो मोहन, कल मेरा जन्मदिन है, मुझे क्या तोहफा दे रहे हो? अरे तुम तो मेरी रानी हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? चलो हम शहर चलते हैं, वहाँ अच्छे से शॉपिंग करके मूवी देखकर आएंगे। अरे शहर जाना बेकार है, शहर के धुएं और मिट्टी में क्या घूमेंगे? नेहरू पार्क चलते हैं, वहाँ अच्छे से पेड़ के छांव में बैठेंगे। अरे बस करो मोहन, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और ऊपर से मेरे भविष्य का कोई भरोसा भी नहीं। थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं खूब मेहनत करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आज से तुम और मैं अलग अलग। कुछ सालों बाद मोहन अपने नए कार में गांव में आता है और रास्ते में बिंदु को देखता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली। भैया मूंगफली ले लो, अच्छे चुने हुए मूंगफली हैं। मूंगफली ले लो, मूंगफली। अरे बिंदु ये तुम ही हो? अरे ये क्या, तुम ये काम कर रही हो? अरे वाह मोहन, तुम तो बड़े आदमी बन गए। हाँ बिंदु, मेरा ऑर्गेनिक होटल का बिजनेस शहर में बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छी बात है। अरे ये सब छोड़ो, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम यहाँ मूंगफली क्यों बेच रही हो? ए बिंदु चलो पैसे निकालो, ये तुम किससे बात कर रही हो? अरे चलो जाओ यहाँ से, मुझे मत सताओ। तुम अपने पति को ही धक्का दे रही हो, बताता हूँ तुम्हें। बिंदु बहुत उदास हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सामने वाले की प्रतिभा और मेहनत की कदर करनी चाहिए, ना कि सुख सुविधाओं की चाहत में ज्यादा लालच करना चाहिए।